अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाए थे, सोच रही थी ये कलर उठाऊं, ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भी पीच या मैरून। कल ओपन कर दिया, फिर सोचा कि इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए। इस ब्रांड के ये रेडीमेड सूट मुझे अच्छे लगते हैं। ये सारा की वॉइस आ रही है, सबको इग्नोर मारें। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है तो ठीक होंगे। अंजुम ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। एक तो मौसम चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से भी सर्दी गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। और दूसरा कि मैंने क्लासेस ज्वाइन की है, उसकी वजह से मैं इतनी मसरूफ़ हूँ। तो कुछ फ्रेंड ने मुझे बोला कि उस पे भी आप वीडियो बना दो, ताकि आपकी हमें पता चले कि आजकल आप क्या कर रही हो। तो सोच रही हूँ उस पे भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आगे शेयर कर दे। आज की टाइटल देख के वीडियो समझ गए होंगे कि हेयर स्ट्रेटनर पे वीडियो है, कि आप विग कौन सी मतलब ले, और कोई यूज़ करता है कोई नहीं यूज़ करता। जैसे कि मुझे छोटे हेयर पसंद है, जैसे आगे आ रहे हैं, ये हेयर कटिंग मैंने कराई थी, स्टिकिंग कराई थी, लेकिन मुझे फिर मज़ा नहीं आ रहा था। काफ़ी दफ़ा मैंने विग काफ़ी वीडियो में यूज़ किए, उससे बाल मेरे लंबे नज़र आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा अब मुझे बाल बड़े कराने हैं अपने, तो कैसे बढ़ाए? अभी तो कटवाएं, इतने जल्दी तो नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी कि आपके दोनों ख्वाहिशें पूरी हो जाए, लेकिन गुजारिश की थी ना वो याद करें। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टन फ्रेंड, मैं पहले बात क्लियर कर दूं कि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी। ये देखो, एक दो, जैसे कि ये ग्रीन, ये। अब मसला क्या था कि मैंने पहले ही बालों पे थोड़ा स्टिकिंग कराई है, पहले से मेरे बाल थोड़े वीक है, तो इसलिए ऐसे डाइट मेरी सही हो नहीं रही, कम ज़्यादा ऊपर हो रही है, तो मेरा खुद का वेट भी कम ऊपर हो रहा है, तो बालों को भी कैसे सेट रखूँ। तो इसलिए मैंने बाल छोटे करवा दिए, क्योंकि मुझे पसंद था, और वीडियो में भी चेंज लुक आने के लिए मैंने हेयर को छोटे करा दिया। उसके बाद मैंने विग यूज़ की, तो विग से बड़े बालों से बंदा सोबर दिखता है। तो जिसको छोटे बाल चाहिए तो ये छोटे बाल करा दे, और जिसको बड़े बाल चाहिए तो वो बड़े बालों की भी अच्छी तरह केयर करेगा, अच्छा लुक दिखाएगा, तो वो अच्छी लगेगी। और ये अगर किसी का होता है ना डाई कराए, कलर कराए कि बाल खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि मेरी तरह ये ऑनलाइन मंगवा दो। लेकिन कल परसों मैं बाजार गई थी, तो ये रेशम गली से मिल रहे थे, हैदराबाद रेशम गली, आपने सुना होगा, वहाँ पे भी ये थी। ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा था, वहाँ से मंगवाई थी ऑनलाइन, तो ये मुझे 100 के हिसाब से मिली थी, और रेशम गली में 150 की ये एक परचेज हो रही है। ये छोटे से चम से मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बाय किए हैं, क्योंकि मैं बालों को इतना डाई नहीं करा सकती, कलर नहीं करा सकती, मेरे बाल पहले से इतने वीक है, ख़राब है, तो मुझे टेंशन हो रही थी तो ज़्यादा से ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ये चम्स लिए हैं। और इसको कैसे यूज़ करूँगी, क्या क्या तरीका है, वो आज वीडियो में शेयर करूँगी। मेरे पास एक दूसरी विग थोड़ी बालों की बड़ी है, अगर आप ऐसे भी लगवा सकती हो, ये लगा कि अपने बालों तक आप हेयर कटिंग करा सकती हो, लेकिन मैं इनको बड़े बालों में ट्राई करना चाह रही थी। तो चलते हैं अपनी बड़ी विग की तरफ। तो फ्रेंड, ये मेरे पास बड़ी विग है, इस टाइप के, ये इस टाइप के इसके हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये मैं विग वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा लगाई है, और मेरा टिकटॉक है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मैं उस पर भी वीडियो बनाती हूँ, उस पर भी रखती हूँ। ये आसानी से कैरी हो जाती है और अच्छी है, तो वो क्लिप की या बचपन में जैसे हेयर बैंड की तरह लगाते हैं, वो ना ले, मैं इसको मतलब बोलूँगी कि इसको ले। ये आसानी से केयर भी हो जाती है और ओरिजिनल लगती है। ये देखो कितनी बड़ी है, आप इसकी प्लेन भी ले सकते हो, कर्ल मिल रहे हैं, जो भी इस टाइम आ रही है हमारे टंडो जाम में रेल। बचपन में कौन कौन रेल देखता था, मैं तो जाती थी दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और रेल देखती थी। तो अब
आपको कैसे लगाना है, क्या तरीका करना है वो करके दिखाती हूँ। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चम्प्स लेने चाहिए, लगाने चाहिए या नहीं। ये चम्प्स भी मैंने ऐसे ही लिए कि इसमें एक टिकटॉक है, ये मतलब इसको टिकटॉक वाली पिन बोलते हैं, वो वाली है। मैंने ये भी कलर लिए है इसलिए यही बाय कही है। ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड, बालों का बेड़ा गरक करना हो तो मेरी तरह को उठाइए और बालों को आधा आधा कर ले, जैसे जितनी विग लगाए यहाँ से लगाना चाहती है तो मोटा फील होगा यहाँ से लगा सकती हो, और जिसके बाल बड़े हैं छोटे हैं अपने हिसाब से कर सकती हैं। बीच में बात याद आ गई, किसी को मैंने कुछ एक दो दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी डॉक्टर रशियल के मतलब सीरम पे, तो किसने मुझे बोला आप ये तो हमें सूट नहीं करती। अब देखो स्किन मेरे टाइप की है, मैं मेरे पे जो सूट होगा वो मैं बताती हूँ। बहन भाइयों की भी स्किन एक जैसे नहीं होती, जैसे मेरी सिस्टर की स्किन ऑयली है, मेरी थोड़ी ऑयली और थोड़ी खुश्क है, तो मैं अपने टाइप की मतलब जो मैं अपने आप पे अप्लाई करती हूँ मेरा बेस्ट जाता है तो उस पे मैं रिव्यू देती हूँ। ऐसे नहीं कि वो मुझे फ्री में देते हैं और मैंने वीडियो बना दी, मैंने अपने पैसे से परचेज की थी, ली थी, और मुझे 1 मंथ या 2 मंथ हो गया ये दोबारा ली है मैंने, उस पे रिव्यू दिया था सीरम पे, तो वो बेस्ट जा रहा है। तो अब आप मैं अपनी वीडियो में आपको बताती जाऊंगी ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ मतलब सही नहीं है, लेकिन क्या पता वो चीज़ आपको सूट करती हो, अच्छी लगे। तो हर स्किन अपनी अपनी टाइप की है, तो अपने हिसाब से स्किन को ट्राई करके फिर वो चीज़ें परचेज करो। ठीक है। मेरा कोई फायदा नहीं है, अभी मेरा चैनल इतना मतलब नहीं कमा रहा कि वो मुझे गिफ्ट दें या मुझे बोले कि आप हमारी इस पे वीडियो बना दो, वो मैं अपने तरफ से लेती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना मेरे फॉलोवर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो उनको मैं बताना चाह रही थी, तो ये चीज़ अच्छी है ये गलत है उस हिसाब से फिलहाल वीडियो बता रही थी। तो अब मुझे विग लगानी चाहिए। बालों को हम करेंगे आधा आगे पीछे, मुश्किल हो रहा तो ऐसे भी कर सकती हूँ, क्यों हो रही हूँ परेशान, टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, सबको समझाना, हर टाइप होता है ना समझाने का, कोई पार्लर खोल लेता है, मुझे ये यूट्यूब आसान लगा कि मैं अपनी बात बता दूँ समझा दूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, सबकी सपोर्ट है, बहन भाइयों की, फैमिली की, फैमिली के बगैर तो आप कुछ भी नहीं हो ना। तो ये देखो ये भी हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा था ना। ओके। इससे पहले मैंने आपको ले वीडियो छोड़ी है कि मुझे ड्रेस का बता दे कि मैं कौन सी ड्रेस लूँ, पीच कलर की लूँ या ये वाली लूँ मेहरून की। ये ऑनलाइन 2 सूट मंगवाए तो अब ये मैं यहाँ से सेट करूँगी इसको, ठीक है, ताकि मैं अपने चम्स लगवाऊंगी वो चोली है मल्टी वाले, तो वो मेरे नजर आए। काफी बोलते हैं विग नजर आती है, विग थोड़ी सेट कर दी है, यहाँ से थोड़े चम्स उठाए, उनको हल्का सा ढीला किया है, और ये यहाँ पे टर्न ट्यूस करती करती मतलब थोड़ा कर्ल करती करती ये लगा दी विग। और मेरे पास छोटे छोटे से केचर है सारा के, ये देखो छोटे बिल्कुल ये सारा के है, तो इस हिसाब से मुझे बालों में लगाना अच्छा लगता है। अब ये मेरी विग हो गई सेट, देखो लगता भी नहीं है कि मैंने विग लगा दिया, बाकी आप विग को कल भी कर सकती हो, लेकिन वहां पे लिखा होगा कि इस विग को कल कर सकती थे। ये कलर भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो सब लगाते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी तो ये मैं लूंगी, इसको ओपन करूंगी और आपको लगा के दिखाऊंगी एक, बाकी आपको खुद पे तजुर्बे करने होंगे कि कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओहो उल्टी पल्टी खराब कर दी, ये हो गया मेरे, ये देखो वाह, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बाल आज मल्टी होने वाले और मुझे अच्छे लगेंगे। ओके। मैंने एक कलर यहाँ से लगा दिया और ये दूसरा, तो ये मैंने विग लेती हूँ 1000 से लेके 1200 1500 तक आसानी से ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, लेकिन आप अपनी विग अपने हिसाब से ले सकती हो,
कम ऊपर वाली भी मिल सकती है जो मेरी तरह बालों को अच्छा दिखाना चाहती है। आप देखो ये हो गए सेट, ये मेरे ओरिजिनल बाल नहीं है लेकिन जिसके बाल बड़े हों तो वो ओरिजिनल भी लुक दे सकता है। ये चम्स आप मंगवा दें, ये देखो अच्छे आ रहे हैं। और दो इधर से लगाऊंगी, जैसे कि मैंने अपना फेवरेट कलर स्काई ब्लू और ये पर्पल, पर्पल भी है पिंक भी है, तो यहाँ से मैं पिंक ही शर्ट लगाऊंगी। अगर आप हेयर स्टाइल से पहले लगा के फिर हेयर स्टाइल सही करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये थोड़े ब्लैक है तो इतने नजर नहीं आ रहे। ये बंद नहीं हो रहा था, अब हो गया। वाओ ये देखो थोड़ा मैं कैमरा को नीचे करूंगी ताकि आपको सही से नजर आ जाए, बाकी नहीं तो मैं अपना शूट रख दूंगी उसमें आप देख लेना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज के चम्स आपको कैसे लगे। आप एयररिंग्स भी चेंज कर सकते हो या छोटे से बिल्कुल टॉप्स भी पहन सकते हो, तो मुझे इस सूट पे कोई समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये पहन दिए तो लुक मेरा थोड़ा अच्छा सा है। ओके फ्रेंड, ये फाइनली लुक देख दिया, मैंने एयररिंग चेंज कर दिया, तो अब थोड़ा बहुत तो सेटिंग आपको भी करनी होगी कि कैसे लगाना चाहिए, बाकी फुल ड्रेस और फुल हेयर मेरा किस टाइप में नजर आए कैसे देख रहे, तो इसकी वीडियो में शूट लगा देती हूँ तो फिर देख लेना। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और ये चम्स आपको कैसे लगे और कैसे बाय करना चाहिए ये सारा कुछ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकती हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।